चार साल से पूरी नगर पालिका सफाई का प्रोग्राम इन लोग कर रहे हैं। अब जो है ठेकेदार, बाहर का ठेकेदार आ गया तो बाहर के लोगों को लगा देगा, ऐसा बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा पूरा समाज। हम अपने बाल्मीकि समाज के साथ आएंगे, हल्के धरना प्रदर्शन करेंगे और चौराहे का घेराव करेंगे और वहीं से कल को जो है वहीं कूड़ा डाल देंगे। भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पूरे समाज के साथ हम जो है अब नई नई यहाँ के जो है 50 साल से काम कर रहे हैं, कौन है समझ वाला? 50 साल कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इनका तो काम ही है। अब यार ये तो हमारा कूड़ा ठाके, हमारी गंदगी सफाई करके ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम इन्हीं के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, उससे क्या फायदा है उस चीज का? जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बाहर का आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, नगर पालिका चेयरमैन हो, ईओ हो, कोई भी नेता हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे, उन्हें बाहर भगाओ और हमारा नगर पालिका जो ठेकेदार हो बात पर पहुंच चाहिए, ठीक है ना? सीधी सी बात है, अगर हमें लखनऊ सरकार को जाना पड़ेगा वहाँ भी जाएंगे, हमारे कार्य ये रहेंगे। 20 साल सफाई ये कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, कोई नहीं कर रहा, इससे भागा ठेकेदार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, ठीक है भैया? इसका कारण ये है जी, बागपत नगर पालिका ने इससे पहले सनराइज कंपनी के हैंडओवर सफाई वर्कर किया हुआ था, जो कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक 16-11 में ये पता लगा कि बुद्धा देवा कंपनी के हैंडओवर कर दिया गया है और वहाँ से कुछ नए कर्मचारी आए जिन्होंने यहाँ के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करा, जो ड्राइवर थे उनसे चाबी लेने की कोशिश की गई और यहाँ के कर्मचारियों को ये कहा गया यदि आप काम करोगे तो ठीक है, अगर ठीक से नहीं करोगे तो हम मारपीट के भी काम कराना जानते हैं। इसलिए फिर उनकी दूसरी शर्त ये थी कि सुबह 6 बजे आओगे और 11 बजे तक आप अपने कार्य पर रहोगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर सफाई कर्मी महिला हो या पुरुष सुबह 6 बजे अगर सफाई कार्य पर आता है तो यानी कि वो सुबह 5 बजे उठेगा, उठने के बाद कहाँ से तो अपने बच्चों को खाना दे पाएगा, कहाँ से उन्हें स्कूल भेज पाएगा? सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि या तो ये मनसा इनकी ये है कि वाल्मीकि समाज के बच्चे अनपढ़ और बुद्धिहीन रहें और इसी तरीके से ये हमारे दबाव में रहें और हमारा काम चलता रहे, या तो इसे टाइमिंग में संशोधन नगर पालिका को करना पड़ेगा जिससे कि शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, और यदि आदमी की कमी है तो अब पहले से ही कहा जा रहा है कि बागपत नगर के अंदर सफाई व्यवस्था के लिए काफ़ी आदमी की जरूरत है, जो कि वो आदमी यदि नगर पालिका देती है तो ऊंचे स्तर से सफाई व्यवस्था करा दी जाएगी। धरना है कब तक चलेगा? अब धरने वाली बात यह है जी, ठेका कर्मचारी हैं और मैं स्थायी कर्मचारी हूँ और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर से बिलोंग करता हूँ, मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरा ये कहना है यदि इन आउटसोर्सिंग वर्कर कर्मचारियों की अनदेखी की गई तो शायद जो अगला कदम होगा 18 तारीख का इनका हड़ताल का होगा। शहर में सफाई नहीं हो रही, इस चीज़ को लेकर क्या स्थिति बन रही है? सफाई ना होने का दुख मुझे भी है क्योंकि मेरा शहर गंदा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां नगर पालिका की भी है। यदि सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठकर अधिशासी अधिकारी व नगर अध्यक्ष वार्ता करते और नई कंपनी के हैंडओवर करते तो शायद इन लोगों को मालूम होता और ऐसा उत्पाद न मचता। कुछ जो कर्मचारी हैं, सफाई जो कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर इस्लाम की जय जयकार करी और उनका धर्म परिवर्तन की बात कही है। देखिए, जब वाल्मीकि समाज के को कोई रास्ता नहीं मिलेगा और किसी प्रकार की सुनवाई भी नहीं है, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अधिकतर यही देखा है कि हर जिले में केवल वाल्मीकि समाज का ही उत्पीड़न किया जाता है, क्योंकि अगर मान लें ये नियम लागू भी करा जा रहा है तो किस बेस पर करा जा रहा है? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? अगर मैं सरकार से गुहार करता हूँ, यदि वाल्मीकि समाज की तरफ भी अगर उनकी नज़र पड़ जाए और उनकी टाइमिंग पर थोड़ा सा संशोधन